नसीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किरण जयपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किरण जयपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया। नगर निकाय का चुनाव सन 90 से मेरे पति दिलीप जायसवाल जी यहां से चुनाव जीतते चले आए हैं। भाजपा उनका पार्टी और परिवार दोनों ही रहा है। उनके आकस्मिक निधन के बाद 2010 में मैं पहला चुनाव लड़ी थी, जो कि 2 साल का कार्यकाल था उपचुनाव का था। उसके बाद मैं दूसरा चुनाव लड़ी 2012 में, उसके बाद मैं तीसरा चुनाव लड़ी 2017 में। ये मेरा चौथा चुनाव है 2023 नगर निगम का। और इस लंबे जीत के पीछे का कारण है निस्वार्थ सेवा, क्षेत्र के विकास, आम जनमानस को समस्या से निस्तारण करना और भाजपा के संगठन और भाजपा के नीति और नियति को साथ लेकर के अपने क्षेत्र में विकास के साथ साथ एक परिवार की तरह समायोजन करके चलना, ये सब चीज मेरे जीत के पीछे का एक बड़ा कारण है। और ये वार्ड एक विकसित वार्ड रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक 32 साल की पार्षदी दिलीप जी और किरण जायसवाल के हाथ में भाजपा के संरक्षण में रही है। इस वार्ड के लोग मात्र मेरे लिए या भाजपा के लिए वोटर नहीं है, ये वार्ड पूरा एक परिवार की तरह है। और विकास की गंगा यमुना सरस्वती यहाँ हमेशा वही है। बात पार्षद की ही नहीं, बात यहाँ जब हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित केशवनाथ त्रिपाठी जी ने, उनका भी ये गढ़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ से 6 बार विधायक जीत के गए हैं। तब हमारी सरकार ना भी थी तो भी उन्होंने अपने निधि से कई ऐसे कार्य दक्षिणी में कराए, जैसे ट्यूबवेल लगवाना, सड़क बनवाना। तो भाजपा ने हमेशा पूरे दक्षिणी के कोड़े कोड़े में काम किया है और खासकर इस वार्ड में भी। मेरा आगे का जो रहेगा 23 के बाद का जो 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि स्वच्छ वार्ड, स्वच्छ प्रयागराज, एक साफ सुथरी पेयजल, प्रकाश मार्ग, नाली, खड़ंजा, ये सब भी जो भी छोटे मोटे जो कार्य जो टूटे फूटे हैं, क्योंकि वार्ड ये निरंतर चलता हुआ वार्ड शहर के बीचों बीच होने के कारण ये नैनी से भी कनेक्टिविटी है, सिविल लाइन से भी कनेक्टिविटी है, रामबाग से भी कनेक्टिविटी है, मुक्तिगंज से भी कनेक्टिविटी है, और उतनी कनेक्टिविटी होने के कारण भी ये वार्ड बहुत विकसित वार्ड है। बाकी हम सबका ध्येय और भाजपा का लक्ष्य यही रहा है कि हम स्वच्छ प्रयागराज, साफ सुथरी प्रयागराज, अपराध मुक्त प्रयागराज, स्मार्ट सिटी प्रयागराज हम लोगों को प्रोवाइड करें। टैक्स, और अगर आप टैक्स की बात करेंगे, पेयजल की गृह कर की और वाटर टैक्स की बात करेंगे, तो आगे का जो कार्यकाल रहेगा उसमें हम सब की कोशिश यही रहेगी, क्योंकि लोकल बॉडीज से ये काम करती है आपका नगर निकाय की बॉडी, इससे सरकार बनाने या गिराने की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे जो भी काम करता है पार्षद और मेयर, वो लोकल इश्यूज पे काम करता है, जैसे साफ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ नगर, पेयजल का समस्या, सीवर का समस्या, और बेहतर सड़कें, और बेहतर प्रयाग प्रकाश मार्ग से हो। तो हम सबकी कोशिश ये रहेगी इस कार्यकाल में कि हम टैक्स का बोझ हम अतिरिक्त आम जनमानस पे ना ला दें। ये मेरी ही नहीं, मेरी पार्टी की और मेरे पार्टी का जो नगर प्रमुख की जो प्रत्याशी है, जो कि एक संगठन के जमीनी नेता और जमीनी कार्यकर्ता, जिन्होंने 30 वर्ष भाजपा और संगठन को दिया है और जनहित की लड़ाई उन्होंने बहुत लड़ी है, तो हम सबकी कोशिश ये रही कि आने वाले 5 साल में हम जनता को अधिक से अधिक राहत दें और अधिक से अधिक फैसिलिटीज दें। मैं भाजपा पार्षद, मुख्य सचेतक, उपनेता सदन किरण जायसवाल
वार्ड नंबर 62 नई बस्ती। जय हिंद जय भारत। माननीय किरण जायसवाल, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, तीन बार की वो विनिंग कैंडिडेट। इसके पहले 5 बार उनके पति भी इस चुनाव को जीते थे, तो वो दोनों प्लस कर लिया जाए तो कम से कम 8 बार का इनकम हो गया। तो एक्सपीरियंस बेस पर जो उनके क्षेत्र के रहने वाली जनता है उनसे बेहद संतुष्ट है, और चुनाव की स्थिति को देखते हुए लग रहा है, जो कंपेनिंग में हम लोगों ने देखा है, जो लोगों को कहना है, लोगों का कहना है तमाम उनके आसपास के लोगों का, कि किरण जायसवाल एक अच्छी नेता हैं और वो काम करती हैं, और इस काम के बल पर उनको वोट मिलने जा रहा है। मैं इस तरह से एक सहयोग कर रही हूँ कि मैंने जब जब किरण जायसवाल ने चुनाव लड़ा है तब तक एक पैर से उनके साथ में कदम से कदम मिला के चली है। इसकी गवाह वो स्वयं। इसके बाद बाकी जितने मेरे अगल बगल के क्षेत्र के लोग रह रहे हैं, क्योंकि मैं महानगर के पद की जिम्मेदारी पे हूँ, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं सारे महानगर को लेके चलूँ, तो मैं सबका कर रही हूँ। लेकिन किरण जायसवाल क्योंकि मेरी बहन जैसी है, तो विशिष्ट रूप से मैं उसका साथ दे रही हूँ। बंपर वोट से इसलिए जीतने का वो लग रहा है क्योंकि लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, लोगों की आवाज उनके लिए उठ रही है, शायद क्योंकि उन्होंने काम किया है तो काम बोलता है। मेरे साथ श्रीमती अंजू शुक्ला है, ये महामंत्री है मंडल और महिला मोर्चा, ये नगर मंत्री है, आप ये सुमन पांडे महिला मोर्चा की मंत्री है, ये सारी बहनें जो हैं हमारे क्षेत्र की निवासी हैं, ये सब मिल के काम कर रही हैं, और बहुत सारी महिलाओं ने सहयोग किया है। डे बाय डे हम लोग 10 दिन से कंपेनिंग कर महानगर संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ श्रीमती जैसी जैसी।